हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। देखिए, आज के डेट पे ये शेयर हाई गया था 116.40, लो गया था 103.55 एंड आज के डे पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 11.31% एंड क्लोज हुआ है 114.65 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹3,178.04 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹3,124.98 करोड़ एंड पीई रेशियो है 34.76। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹49.72 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.06। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कमी है। एन कंपनी के पास अभी कैश है ₹102.78 करोड़। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 49.72 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 3.52। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से लगभग 3 गुना ज्यादा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹3.30, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.74% एंड ROCE है 14.15%। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 513.16%, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 34.39%। ये जो कंपनी है HBL पावर, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 58.97%, पब्लिक का होल्डिंग है 26.92%, DII का होल्डिंग है 12.59% एंड FII का होल्डिंग है 1.52%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, जो आपका 58.97% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने लास्ट एक साल के अंदर रिटर्न दिया है 126.58% का। ओके, और ये जो कंपनी है HBL पावर, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट पे भी देख लेंगे और मंथली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका 4 अक्टूबर 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपरटेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए शेयर आपका लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है और यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर की तरफ एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया, जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन है। देखिए इस लाइन को इस शेयर ने दो बार कोशिश किया था तोड़ने के लिए, एक बार इस जगह पे और एक बार इस जगह पे। देखिए जब भी इस लाइन के नजदीक आया इसको तोड़ नहीं पाया, नीचे की तरफ आया, लेकिन इस बार मतलब आज के डे पे देखिए इस लाइन के ऊपर ये शेयर आपका सस्टेन कर चुका है और आज के डे पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका यहाँ पे देखिए 100 डेज, 50 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही टिकता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन ही दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो कारेंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹115,
अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 3 महीनों में इस शेयर आपका रुपीज 140 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।